सच्चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओ नी नाजरीन आदाब आज को गोजरी प्रोग्राम ले गए जावेद राई थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह जे तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ना दावत देता रहा और दस्तावेजी फिल्म पेश करता रहा और थारा मसाइल जड़े इस प्रोग्राम में पेश करता रहा। रमज़ान को जो महीनों है बाबरकत वो चल रहा है और इस दौरान हमने प्रोग्राम पेश किए हैं मुफ्ती फैज़ल वहीद साहब जड़ा के कुरान शरीफ हो जिन्होंने गोजरी में तर्जमो किया है और पूरी दुनिया में उन्होंने तालीम और तरबियत जो इस्लामी तबलीग है उसमें जो कम है और उसको कोई मसाल नहीं है और पूरी दुनिया में लोग उन्होंने जाने इस उनकी तबलीग वस्त है इस्लाम का मुख्तलिफ मौजूआत में उन्होंने जी तशरी है उस वस्त है और जरा उन्होंने नज़रियात है इस्लामी उन्होंने बारे में तो इसे सिलसिला ना आगे बताता हुआ आज मारे नाल तशरीफ रखने लगा हुआ मुफ्ती फैज़ल वहीद साहब उन्होंने इस्तकबाल करूँ वहीद साहब। नाजरीन हम रमज़ान का सिलसिला माँ मुफ्ती फैज़ल वहीद साहब उन्होंने गुफ्तगू जारी रखे वहाँ आज हम इस सिलसिला ना अगे बताता वहाँ कोशिश करांगा कि आज एक मौजू जो है वो कि कुरान शरीफ का की आमद के नाल दुनिया का पूरा माशरा के ऊपर के असर पियो किस तरह नाल इस पूरा ग्लोब के बीच पूरा दुनिया के बीच एक रेवोल्यूशन आयो एक इनकलाब आयो उस बारे गल करांगा क्योंकि तम मुतरजम है कुरान शरीफ का और थारो एक मतालो बड़ो वसी है इसके बीच ते कुरान शरीफ की आमद तो पहला वो कोई तो शुरू करा कि उस तो पहला के थो कि कुरान शरीफ ने किस तरह तब्दील किया फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक ते पहला की दुनिया कैसी थी तारीखी हवाला नाल मजमूई तौर पर सारा लोग जाने के इंसान कोई मजबूत कानून को पाबंद नहीं थो। दुनिया में उस वेले लोगों को त्रै किताब थी एक जबूर एक तौरात और एक इंजील लेकिन इन त्रै किताबों की बदकिस्मती यह थी कि इन का मनन आला ने अपना मर्जी का अहकाम उसमें ठोक छोड़ा था और अल्लाह ताला का अहकाम बदला छोड़ा था। इस चीज़ ना यहूदी भी तस्लीम करें ईसाई भी तस्लीम करें कुरान पाक ने क्यों यक्तुबून अलकिताब बी अईदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह अपना हथा ना लिखी और फिर कहें कि यह खुदा का कलाम है। युहर्रिफून अलकलिम अम मवाज़िही अल्लाह का कलाम ना उसकी जगह पर बदलता रहें। या हालत उस कौम की है जिसको आसमानी किताब थी रिया वे लोग जिन को आसमानी किताब नहीं थी या उन्होंने दावा ही नहीं थो कि हमारा को इस्लामी किताब है या आज वे कुछ किताब चलो पेश करें मगर कम से कम इंसानी पूरी जिंदगी वास्ते रहनुमाई की किताब करने वाली कोई किताब नहीं थी। कुरान पाक ने इंसान की रहनुमाई की मगर कैसी रहनुमाई की कि बच्चा का पैदा होते ले गए मरण तोड़ी जिंदगी में कोई मोड़ ऐसो नहीं आतो कि जिसमा इस्लाम की रहनुमाई ना वह अख मीच गए सवाल किया जा सके कि हूँ इस मोड़ पर खड़ो दसो इसमें इस्लाम को के हुक्म है तब्दीली किस तरह आई अंदा चंद एक मिसाल दसूँ यहूदियों ने के काम किया तो बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है उन्होंने किताब में मौजूद थो कि अगर कोई आदमी बदकारी जैसो जुर्म करे तो उसने यह सजा दियो लेकिन उन्होंने इस सजा ने किस तरह तब्दील कियो कि अगर मालदार ऐसो जुर्म करे तो उसकी यह सजा है गरीब करे तो उसकी यह सजा है। कुरान पाक ने सबसे पहला तो एक मिठा और रसीला एक अपना ख़ास अंदाज नाल इंसानी दुनिया अपना दर छिकी और वे लोग जड़ा कुरान पाक नहीं था सुनना चाहें ख़ास तौर नाल मक्का का लोग उन्होंने ऐसा मिठा तरीका नाल छिको कि वे ना जान के बावजूद भी कुरान पाक सुने था। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की एक मिसाल पेश करूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मक्का का बहुत बड़ा आदमी था उच्च अखलाक का मालिक था लेकिन हालात ऐसा बने कि आखिर उन्होंने हिजरत वास्ते मजबूर होना पियो और हिजरत करता करता वे बरक़ गिमाद यमन का एक इलाक़ा उत्तरी पूछ गया। इबन दगना ना वो एक बंदो थो जो उन्होंने वाकफ़ थो मुसलमान नहीं थो उन्होंने मुलाकात होगी उस नाल
اس نے کیوں ابو بکر کے مطلوب ہے کیے جا رہے ہیں تیری قوم نے مجبور کیوں میں نے کٹ چھوڑے انہوں نے کیوں تو نوز باللہ تھا راج سا بندہ مکہ دے چلے جی پھر پیچھے بچے وہ کے وہ واپس لے آیا انہوں نے مکہ کا لوگ انہوں نے اکٹھا کیا اس کا چودھری مقدم خانہ کعبہ کے سامنے اور کیوں کہ یہ ابو بکر میرا دوست ہے مگر تھارو رشتہ دار ہے تم انہیں جانے یہ غریبوں کی مدد کریں یہ مہمان نوازی کریں یہ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آویں تم انہوں نے مکہ دے کڈیں مکہ کا لوگ کہنا آنا انہوں پر کوئی اعتراض نہیں البتہ یہ قرآن زور زور نال پڑھیں لوگوں نے جا کے سناویں اس نال قرآن مارا بچوں نے تو ماری عورتوں نے چھک لیا اگر یہ اپنا کارم کریں کارما جو کچھ کریں ہونا کوئی اعتراض نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کارما ایک تھلو بنایا اس کے اوپر قرآن پاک پڑھن لگا کچھ دن تے بعد ہی ایک آدمی نے سنے دوجا نے سنے تیجا نے سنے بس جس آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تھا تو انہوں کے چفیری ایک بڑا جمع گفیر اور بڑی تعداد جمع ہو جاتی مجبور میں تھا لوگ قرآن پاک نہ سنن واسطے اس کو انداز ایسو مٹھو ایسو پیارو تھو کہ لوگ اس سے رہ نہیں تھا سکے پھر لوگوں نے شکایت کی ابن دغنانا کہ دیکھو جی یہ لوگ پھر انہوں نے سن لگے ہیں یہ تھلا پر بیس کے لگے ہیں تلاوت کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ پھر منا میرا آلور چھوڑ دیو ہوں جانوں میرا رب جانے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ مکہ کا مشرکہ نے آپس میں شکایت کی دیکھو یار ہم لوگوں نے کہا کہ قرآن نہ سنو مگر ہم آپ سنو تو اس کو کیا اثر ہے گو قسم کھا دی آج نہیں سن لگا رات ستا ایک نے کیوں وہ نہیں گیو اسے دوجا نے کیوں وہ نہیں گیو اسے ہوں جوں ذرا دونوں اس طرح کرتا کرتا سارا پوچھ گیا حرم پاک ماں حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے مسلم شریف ماں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورہ نجم پڑھے تھا وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحب